हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ एक बार फिर MI सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका मोबाइल में जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस होता है उसका क्या फ़ायदा है, और उसे ऑन करके रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है आपका सेटिंग पे। पहले मैं बोल देता हूँ, अभी जो ब्राइटनेस आप दिख रहा है ये आप धूप में जाएंगे तो आपको इस तरह बढ़ाना होगा, फिर आप जब लो लाइट में आएंगे तो आपको इस तरह कमाना होगा। अगर आप ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो क्या होगा, जब भी आप हाई लाइट में जाएंगे या धूप में या, तो आपका जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप जब भी रात पे या आप बिस्तर पे रहेंगे तो जो जो ब्राइटनेस है वो आपका लाइटिंग के मुताबिक कम जाएंगे। सो उसका एक यही फायदा है कि आप कहीं पे अचानक बाहर आ गया तो आपको ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सेटिंग इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपका जो भी रेडमी का मोबाइल है आपको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको दिखेगा ब्राइटनेस लेवल, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, सो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के साथ ही देखिए यहाँ पर लो लाइट है, इसलिए मेरा मोबाइल का जो ब्राइटनेस है वो घट गया है। अभी मैं हाई लाइट पे कर दूंगा, सो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लाइट आ गया है। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में दिखाना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप एक MI यूज़र से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।